गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विद्यार्थी जी, आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हैं, खास करके जो कहीं मैथ स्टार्ट नहीं किए हैं, अर्थात या जो मैथ से परेशान है, या जिनकी मैथ अपने आप में लगती है कि एक बहुत बड़ी भारी सब्जेक्ट है, भास्ट सब्जेक्ट है, तो उनके लिए मैंने लाया है विद्यार्थी जी एक नए बैच सफलता 2.0 के नाम से, सफलता 2 है ना। तो इस बैच में विद्यार्थी जी खास करके ध्यान दीजिएगा हमारी जो विशेषताएं हैं कि आप कैसे एक अच्छे मैथ के विद्यार्थी बने, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले विद्यार्थी जी 10 दिन कैलकुलेशन पढ़ाता हूँ। कैलकुलेशन का मतलब होता है कैसे आप फास्ट गुना कर सकते हैं, कैसे आप फास्ट स्क्वायर कर सकते हैं। अन्यथा विद्यार्थी जी 543 का स्क्वायर आ गया, विद्यार्थी कलम रोक कर रख लेते हैं, है ना। 498 का स्क्वायर आ गया, कलम रोक के रखे रहते हैं कि अब इतनी बड़ी स्क्वायर कैसे करें। इसको आपको विद इन सेकेंड में करना है, मतलब कहने का मतलब 2 से 5 सेकेंड के अंदर आपको स्क्वायर कैसे बोला जा सकता है। सभी के कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, तो मैं आपको 10 दिन आपकी बेसिक बातें करता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। चूंकि ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन मैथ ही नहीं, पूरी लाइफ की कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मैथ आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले विद्यार्थी जी कैलकुलेशन अच्छा करें, उसके बाद कंसेप्ट अच्छा करें। तो कैलकुलेशन अगर अच्छा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देते हैं, और कंसेप्ट होता है विद्यार्थी जी एक रेशियो एक चैप्टर आती है, अनुपात एक चैप्टर आती है, जिस विधि से मैं पूरी अंग गणित ही नहीं बल्कि एडवांस मैथ को भी आपको हम रेशियो के बहुत सारे पार्ट तोड़ देंगे, है ना। एडवांस मैथ के बहुत सारे पार्ट आपकी रेशियो पे टूटते हैं। खैर एडवांस मैथ की बात अभी नहीं, अगर अंग गणित की बात की जाए विद्यार्थी जी, तो मैंने आप लोग को कहा रेशियो में टोटल 9 पॉइंट होते हैं और 13 क्वेश्चन होते हैं। 9 पॉइंट और 13 क्वेश्चन अगर पढ़ लिया जाए तो विद्यार्थी जी अंग गणित का 80% काम समाप्त हो जाता है, 80% काम समाप्त हो जाता है। बाकी 20% हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लेनी होती है, क्योंकि सारे चैप्टर में रेशियो की कंसेप्ट को जोड़ देना होता है। मात्र 13 क्वेश्चन से पूरी अंग गणित बनती है विद्यार्थी जी। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आपकी मैथ एक बोझ बन चुकी है, अगर आपकी सब्जेक्ट मैथ आपको तकलीफ दे रहा है, तो विश्वास कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, मैथ आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैं बना दूंगा, बशर्ते आप 0 लेवल से आते हैं। 0 लेवल का मतलब विद्यार्थी जी मैं आपसे सिर्फ आशा करूंगा कि 1 से 20 तक पहाड़ आता है या नहीं, टेबल आता है या नहीं। अगर 1 से 20 तक का टेबल, 1 से 40 तक का स्क्वायर और 1 से 9 तक का क्यू आता है विद्यार्थी जी, तो बाकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन की कैलकुलेशन और 1 महीने की रेशियो, 1 से 1.5 महीने की रेशियो होती है, इसके सहारे पूरी अंग गणित को मैं तोड़ देता हूं। तो विद्यार्थी जी आप अपने आप को अलग ना समझ करके मैथ के एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे, इसका मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। तो इसके लिए हमारी बैच आ रही है विद्यार्थी जी 9 सितंबर से, कितने तारीख से, 9 सितंबर से विद्यार्थी जी। तो 9 सितंबर से 3 से 4, शाम 3 से 4 इवनिंग का बैच है विद्यार्थी जी, शाम 3 से 4 9 सितंबर से। तो आना ना भूलिए। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है धनंजय टीचिंग सेंटर, भैंसासुर बिहार शरीफ नालंदा, है ना, बिहार शरीफ में रहने वाले विद्यार्थी है तो ऑफलाइन आ सकते हैं। अगर जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जो दूर से है, कहीं अलग से है, ऑनलाइन वाले की विशेषताएं मैं बता दूं विद्यार्थी जी, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऑनलाइन देखेंगे तो स्टूडियो से, मेरे यहाँ ऑनलाइन विद्यार्थी जी क्लासरूम से हम लाइव होते हैं। जो बच्चे को ऑफलाइन वाले बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, वही वीडियो आपके पास ऑनलाइन के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं होती है। हमारी पढ़ाने के तरीके होता है सिर्फ पढ़ा देना नहीं, सिखा देना नहीं, बल्कि रिजल्ट तक ले जाना। रिजल्ट तक ले जाने के लिए पढ़ाने के साथ साथ डेली आपकी 100 क्वेश्चन का होमवर्क होता है, उसके बाद अगले दिन 100 क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आप लोगों से पूछ लेता हूं कि कोई क्वेश्चन आपकी ना बनी है तो पूछ ले। उसके बाद विद्यार्थी जी अगर चैप्टर लास्ट होने लगता है तो उस चैप्टर में 5 टेस्ट से गुजरना होता है, कम से कम 4 से 5 टेस्ट होता है, जो टेस्ट आप लोग को हर हालत में देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी टेस्ट पे ही निर्भर करती है। तो मैंने कहा आपके रिजल्ट देने के लिए
पढ़ाने के ज्यादा सिखाने पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट सही करता हूँ, और सिखाने से ज्यादा भी आपकी होमवर्क पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपको होमवर्क बन के आना चाहिए। अगर होमवर्क बन के आ गया विद्यार्थी जी, तो अब आपको स्पीड की बात होती है, जो आपको टेस्ट के आधार पर लिया जाता है, तो टेस्ट भी देना होता है, ये सारी प्रक्रिया से आप गुजर जाते हैं, तब एक अच्छे विद्यार्थी बनते हैं और आप रिजल्ट लेने में सहायक सिद्ध होता है आपको। तो मैं आशा करूंगा कि हमारे इस बैच का फायदा उठाएं और कल आना ना भूले। 9 सितंबर से विद्यार्थी जी, कितने सितंबर से? 9 सितंबर से शाम 3 से 4। तो आशा करेंगे आप हमसे जुड़कर एक अच्छे मैथ का विद्यार्थी बन सकते हैं। इसी के साथ आपको दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपकी मैथ सब्जेक्ट अच्छा हो और आपके रिजल्ट में कोई बाधा ना हो। धन्यवाद।